क्या है? बढ़िया, गुड गुड गुड। बॉडी में बात You look so. चलो बाइक चलते हैं। It's okay, you're like confident on the face. Your face not showing confident. The face is like, oh god, what has happened? Why did I come? No bullshit. Sweetie, where we? ये बच्चों सर पहले तो काम मैं यही कहना चाहूँगा, आज पहली बार हम लोग एक अवार्ड फंक्शन के लिए आए हैं और इतनी जल्दी इतनी घाई में आए हैं क्योंकि हम लोग है ना, हमारे आज सैटरडे है तो आज बच्चों की कोई बर्थडे पार्टी थी, सो द थीम वॉज रेड, सो वी ऑल ड्रेस्ड इन रेड एंड द किड्स आर स्टिल प्लेइंग आउट देयर। और छोड़ के हम लोग फटाफट आए बिकॉज वी डिडंट वांट टू मिस दिस, बिकॉज अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं बार बार कहूँगा कि अवार्ड मिलना अपने आप में, नॉमिनेट होना, अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बिकॉज दे आइडेंटिफाई यू, दे यू नो दे सी यू वर्दी ऑफ द गुडनेस ऑफ वॉट एवर एज एन एंटरटेनर और एज अ मॉम और एज अ डिजिटल क्रिएटर, सो आई रियली अप्रिशिएट। तो हम सारा काम छोड़ के ये इसको मैंने बोला ये जाने वाली थी पार्लर वाला, तो छोड़ पार्लर वाले छोड़ ले, जो रन को कहती है अवार्ड में। ओह यू मीन यू टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर एंड, यू टॉकिंग अबाउट जीएसटी एंड आईटी? हाँ अच्छा, ओके ओके, मुझे लगा 31 मार्च की बात करो। हाँ प्लीज बात बोल के, 31 मार्च की बहुत स्ट्रेस है यार। जी जी, भाई मुझे एक्चुअली पता नहीं कि लॉकअप अभी कब शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इसको लॉकअप में बंद करोगे क्या? सच में यार प्लीज, आई एम सॉरी, हम लोग इनको चुरा के लेके जा रहे हैं, इनका अवार्ड है स्टेज पे, ये वापस आएंगे। हाय चुरा के दिल मेरा बेबी, गाइस योर अवार्ड इज चली। मेरा गोविंदा नहीं दिख रहा है, कहाँ है गोविंदा? चाहे वो हमारे डायरेक्टर हो, हमारे एक्टर्स हो, मेरे जितने भी को एक्टर्स थे, चाहे वो कोई भी हो, मतलब स्पॉट दादा की भी बहुत याद आती है, उन्होंने बहुत मेरा ख्याल रखा है एंड आई रियली मिस इट, बट या बट दे आर इन टच एंड ज़्यादा मिस नहीं करती। सबसे ज़्यादा लोग मिस कर रहे हैं जो बिग बॉस के घर के बाद, अब मैं बोल रहा हूँ कौन से कैमरा में वो जो केमिस्ट्री को लोग काफ़ी मिस कर पा रहे हैं, आप कितना मिस कर रहे हो? जब भी आप सेट पे जाते हो उसकी अलग ही वाइब्स रहती है। जी मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत मिस करता हूँ सबको एंड टीम को भी बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी अनइंटेंशनली, बट एंड आई टोल्ड हर दैट आल्सो एंड आई टोल्ड माय डायरेक्टर आल्सो द सेम थिंग,
that I miss shooting with you guys. Shiva, welcome to आने वाला है आपका नाम सही हद तक आ रहा है. आ रहे हैं. आप क्या कुछ कितना कितनी सच्चाई है इसके इसके लिए मैं आपको मना ऐसा कुछ बेका भी कुछ बोले कि क्या कुछ मना रहे हैं मतलब आपको मना कर हाँ मतलब कि नहीं है ऐसा कुछ कुछ एनीथिंग हाँ कुछ चीज़ें आ रही हैं डेफिनेटली कुछ चीज़ें आ रही हैं एंड बातें भी चल रही हैं और भी प्रोजेक्ट्स भी हैं लेट्स सी व्हाट हैपेंस. पहले कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए थैंक यू एनएफके नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 आपको मिला है. व्हाट वुड यू लाइक टू से जी डेफिनेटली यार आई थिंक I really want to thank the entire jury, the entire team of NFAL, National Film Awards, and देखिए simple है कि अगर actor को लोग appreciate करते हैं, उसके talent को appreciate करते हैं, उसके style को appreciate करते हैं, so it feels good, it feels really nice. But मैं सच बताऊँ, for me fashion is and style is comfort. मतलब मैं I think Ripsy knows best, क्योंकि रात दिन में मुझे देखते हैं कि मैं बहुत comfortable रहता हूँ. You know, for me it's just you know. Having a little class also with that, you know, a little panache, थोड़ा सा dash of everything, थोड़ा mix करके style बन जाता है. But वो over नहीं होना चाहिए, वो under नहीं होना चाहिए. हम सब कोशिश करते हैं कि वो अपने तरफ से हमारा वो style हो. जैसे अभी इन्होंने green t-shirt पहनी है, ये style है denims के साथ, तो सबका एक अपना style होता है. So I want to keep it very simple, very classy. और कोशिश करता हूँ, लेकिन maximum जो है मुझे style यहीं से मिलता है because हाँ हम काले हैं तो क्या बताइए वाले नहीं नहीं आई थिंक हमने आज सोचा था कि हम ब्लैक पहने के दोनों क्योंकि हार्डली रिप्सी बाहर आती है और आज जब मौका मिला तो मैंने कहा क्यों नहीं यू नो आज मैं बाहर लेकर आऊँ आप सबके साथ और इसका इसका हिस्सा बने. बट यस आई थिंक रिप्सी से मुझे मैक्सिमम स्टाइल की कुछ देते हैं बिकॉज एवरीबडी नोज शी वेरी वेल नोन फैशन डिजाइनर और इसका अपना एक स्टाइल का क्वेश्चन है अपना एक फैशन को लेकर इसकी अपनी एक सोच है जो कई बार हम लोग डिस्कस भी करते हैं लेकिन फॉर मी इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग जैसे आप लोग जानते हैं. बट अब मैं थोड़ा ध्यान देने लगा हूँ यू नो आई बीन ट्राइंग टू काइंड ऑफ मे बी गिव लिटिल मोर अटेंशन टू माय स्टाइलिंग एंड माय व्हाट आई एम वेयरिंग टू द इवेंट्स एंड ऑल जो पहले नहीं था. सो मैम फर्स्टली गुड टू सी यू मैम काफ़ी गुड टू सी यू मैं बोल रहा गुड टू सी यू यार आपको हार्डली देख पाते हैं ऐसा लगता है गणपति में ही दर्शन हो गया. एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट सर्स फैशन इनको किस तरह से आप फैशन टिप्स देते हो बिकॉज ही ऑलवेज लुक्स वेरी गुड इन अवार्ड ही कैन कैरी ऑफ एनीथिंग आई थिंक ही कैन कैरी ऑफ एनीथिंग या माइक सही है या I said he can carry off anything and I just keep telling him and we both actually believe in it that whatever you wear it shouldn't look like you're trying too hard. It should look like you've just stepped out of bed. Looking that glam, huh? मैं normally bed में ऐसे जाता हूँ ऐसे ही बाहर निकलता हूँ. Real में भी नाटी हो विद्रोही हो अलग अलग लोगों को काफ़ी अच्छे लगे. सर आपसे जानना चाहूँगा आपका लास्ट सॉन्ग आया था काफ़ी पॉपुलर हुआ जी उसमें भी स्टाइल था उसमें एक स्टाइल था बालों का स्टाइल था जी काफ़ी टाइम हो गया आप नेक्स्ट सॉन्ग कब आने वाला है लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं. आई थिंक नेक्स्ट ऑब्वियसली मैं कुछ चीज़ों पे काम कर रहा हूँ और आई एम श्योर बहुत लोग जानना चाहते हैं व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट और एक अच्छा लंबा एक ब्रेक हो चुका है मेरे लिए बहुत लंबा हो चुका है. बट यस आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा बिकॉज जब तक वो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाए और हम ऑन फ्लोर में पहुँच जाए एज यू एज एवरीबडी नोज आई डोंट नो डिस्कस बट यस यू गाइस आर राइट आई एम वर्किंग ऑन समथिंग राइट. व्हाट अबाउट रियलिटी शो आई लव रियलिटी शो लेकिन वो है कि मुझे करने में डर लगता है. बिग बॉस लॉकअप टू नजदीक आ रहा है बिग बॉस भी आएगा कौन सा आ रहा है. हाँ आई थिंक बहुत सारे शोज हैं शी लाइक्स टू वॉच विच शो आई डू लाइक टू वॉच सम शो ये कभी कभार हम लोग सब देखते हैं दिस टू मच ऑफ आर्गुमेंट मसाला इन सब शो में मसाला है टैलेंट है थ्रिल है. सो आई थिंक एवरी रियलिटी शो हैज इट्स ओन एक्स फैक्टर और कभी कभार हम लोग देख लेते हैं. बट यस आई थिंक आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ सम शो आई डोंट नो व्हिच शो बट मौका मिला और कभी मूड किया डेफिनेटली क्यों नहीं. थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू.